सिद्धार्थ निगम टेलीविजन इंडस्ट्री के वो एक्टर जिन्होंने अपने एक्टिंग और नए नए कैरेक्टर के साथ लोगों को काफ़ी इम्प्रेस किया है और काफ़ी फैन बेस के साथ अब ये बॉलीवुड में भी अपना पहला डेब्यू कर चुके हैं। किसी का भाई किसी की जान इस मूवी में सलमान खान के भाई का किरदार निभाते हुए सिद्धार्थ निगम नजर आए हैं। इसी बीच में आपको बता दूं, जब एक रिसेंटली एक इवेंट में इन्हें स्पॉट किया गया, जब इनसे ये पूछा गया कि अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आप टेलीविजन वापस करने वाले हो या अभी बॉलीवुड के न्यू ऑफर्स का आपको इंतजार रहेगा, तब आइए नजर डालते हैं इस वीडियो में जहां मैं आपको बताऊंगी कि सिद्धार्थ निगम ने आखिर क्या कहा है इस पर और किन बड़े बड़े एक्ट्रेस के साथ और किन के साथ वो काम करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी शेयर किया है कि सलमान सर के साथ कुछ ऐसे पल जिन्हें शायद वो इससे पहले किसी और को बताए नहीं थे। और तो और, सेट पे सबसे ज़्यादा फनी कौन है और किसके साथ उन्होंने एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया है, उस बारे में भी उन्होंने रिवील किया है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और इशू की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूँ कि सिद्धार्थ निगम किसी का भाई किसी की जान में भाईजान के भाई के किरदार में नजर आए हैं, लेकिन साथ ही मैं आपको एक और चीज़ से रूबरू करा दूँ। टेलीविजन इंडस्ट्री में अशोक सम्राट जैसे बड़े बड़े कैरेक्टर्स के साथ नज़र आ चुके हैं सिद्धार्थ निगम। इन वो एक जिम्नास्ट भी है, इसके साथ ही बहुत सारे आप कह सकते अलग अलग किरदार के साथ भी ये नज़र आए हैं। इनके भाई अभिषेक निगम भी टेलीविजन की दुनिया के बहुत बड़े सितारे हैं और इनके बड़े भाई हैं, और सिद्धार्थ को पहली बार इस ऐसे बॉलीवुड के बड़े पर्दे पे देख के उनके भाई भी बेहद खुश हैं। लेकिन जब उनको स्पॉट किया गया, उनको ये पूछा गया कि अभी आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, तब उन्होंने ये कहा कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, मुझे कोई भी शो ऑफर हो मैं काम करूँगा, फिर वो टेलीविजन का हो या बॉलीवुड का हो, इट डजेंट मैटर। और दूसरी बात है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं, अगर मैं टेलीविजन में काम करके भी अगर मुझे लोग उतना प्यार दे सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, तो क्यों नहीं, आई विल चूज टेलीविजन ओवर बॉलीवुड। इसके साथ ही जब उनसे ये पूछा गया कि आपके दिमाग में कुछ तो ख्याल रहेगा कि अभी नेक्स्ट कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना है, क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, रोहित शेट्टी के साथ अगर मुझे एक बार काम करने का मौका मिल जाए तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक और ड्रीम पूरा हो जाएगा, क्योंकि रोहित शेट्टी को बहुत पहले से देखते आए हैं और उनके मूवीज़ देखने के बाद उनको ऐसा लग रहा है कि उनके मूवीज़ में धूम धड़ाका बहुत होता है, फाइटिंग सीन्स बहुत होता है, एक्शंस बहुत होता है, और मुझे वैसा सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो रीज़न मैं चाहता हूँ कि मुझे रोहित शेट्टी कभी ना कभी अपनी मूवी के लिए ऑफर दे और मुझे उनकी मूवी के में काम करने का मौका मिले। साथ ही जब उनको ये पूछा गया कि सेट में सबके साथ तो आपका अच्छा बॉन्ड रहा ही है, लेकिन अगर किसी एक इंसान की बात हमें हम आपसे पूछें कि किसके साथ आपका सबसे अच्छा बॉन्ड रहा है, तो कौन है वो इंसान, तब उन्होंने कहा कि सेट पे सबसे अच्छा और सबसे ब्यूटीफुल बॉन्ड अगर मेरा किसी के साथ रहा है, पलक तिवारी के साथ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फनी है, बहुत सारा फन की बातें करती रहती है और कोई भी मूड हो वो हर मूड को रिफ्रेश कर देती है, भले वो कैमरा के सामने अलग रहती हो, लेकिन बैक स्टेज की अगर हम लोग बात कर दें तो पलक तिवारी सबसे एंटरटेनिंग मतलब आप मेंबर्स में से एक थी किसी का भाई किसी की जान में, जिसने सबके चेहरे पे खुशी लेकर आ गई अपने हर एक करतूतों के साथ साथ। और जब उनसे न्यू मूवीज़ के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने ये कहा कि जो भी शो मिलेगा हम वो कर लेंगे। फिलहाल सिद्धार्थ निगम के स्टेटमेंट पे आपका क्या रिएक्शन है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूज।